टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। खबरों में सबसे पहले आपको बताते हैं, वाग्नि रेलवे स्टेशन का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां अपने माँ के साथ प्लेटफॉर्म पर चल रहा 2 साल का मासूम बच्चा रेलवे पटरी पर गिर जाता है और उसी पटरी पर एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी, तभी मसीहा बनकर पॉइंट्समैन मयूर शुक्ला अपनी जान हथेली पर रखकर इस मासूम बच्चे की जान बचा ली। वही मुमरा बाईपास पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक कंटेनर रोड के बीच में बने डिवाइडर पर चढ़ गया। ये हादसा आज सुबह करीब 6:30 बजे के वक्त हुआ है। क्रेन की मदद से इस कंटेनर को डिवाइडर से हटाया गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मुंबई नासिक हाईवे के पास एक सैनिटाइजर कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। वहीं आग में भी किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। वहीं ठाणे के जामली नाका पारख मेडिकल स्टोर के पास एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में आग लग गई। इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास एक कार भी खड़ी थी, मगर उसे फिर हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिक बॉक्स में ये आग लगी थी। बहरहाल किसी के भी हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। वही मध्य प्रदेश में गुटखा खरीदने के लिए ये लंबी लाइन लगी हुई है, मगर जैसे ही पुलिस को इसकी खबर मिली, लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। शिवपुरी इलाके में लॉकडाउन की आहट से गुटखा खाने वालों में हलचल इतनी बढ़ गई कि झोला लेकर वो दुकान के सामने गुटखा के बंडल खरीदने के लिए लाइन में खड़े हो गए, जिसके बाद इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुटखा खरीदने के लिए जो लोग लाइन में खड़े थे उनकी जमकर पिटाई कर दी।